एक ही जगह पर। कलेक्टर रीवन ने कहा, हेलमेट चेकिंग के विशेष अभियान में हेलमेट लगाने वाले को फूल देकर सम्मानित करेंगे, वहीं बगैर हेलमेट वाले को चालान करके यानी काटा देंगे। फूल और कांटे एक ही जगह पर। कलेक्टर रीवा ने कहा, हेलमेट चेकिंग के विशेष अभियान में हेलमेट लगाने वालों को फूल देकर हम सम्मानित कर रहे हैं, वहीं बगैर हेलमेट वालों का हम चालान कर रहे हैं यानी कि उन्हें हम कांटे दे रहे हैं। साफ तौर से कलेक्टर रीवा का कहना था, आज हम मैदान में हैं, आज हम विशेष चेकिंग अभियान चला रहे हैं, हम जहाँ हेलमेट वालों को फूल देकर सम्मानित कर रहे हैं, वहीं बगैर हेलमेट वालों के हम चालान कर रहे हैं। साफ तौर से फूल और कांटे एक ही जगह पर, हेलमेट वालों को फूल, बगैर हेलमेट वालों को काटा यानी चालान। कलेक्टर एसपी प्रशासनिक अमले के साथ स्वयं उतरे मैदान में, शहर के चौराहों का आज नजारा कुछ बदला सा रहा। पुलिस कप्तान नवनीत भसीन, कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प रीवा की सड़कों पर नजर आए। हेलमेट अभियान को लेकर कलेक्टर रीवा का साफ तौर से कहना था, हम इसको अब एक अभियान के रूप में लेंगे। हेलमेट लगाने वालों को जहां हम फूल देकर सम्मानित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बगैर हेलमेट वालों को हम जुर्माना लगा रहे हैं, उनका चालान काट रहे हैं। यह सब हम अपने लिए नहीं कर रहे, यह सब हम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए। हेलमेट की अनिवार्यता से तो आप सभी अवगत हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, उसके रेफरेंस में मध्य प्रदेश शासन ने भी आदेश दिया है। हम लोगों ने आप सभी के साथ बैठक भी इसके लिए की और कल हम लोगों ने जनप्रतिनिधि के साथ भी सभी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक आयोजित की। सभी विभाग के लोगों को इसके बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी तरह का कोई एग्जेम्पशन हेलमेट पहनने को लेकर के नहीं होगा, और उन सभी जगहों पर जहाँ पर कि ये टू व्हीलर के लोग जाते हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप हो जहाँ वो पेट्रोल ढाने के लिए जाते हैं, या अपने ऑफिस जाते हैं, या पार्किंग लॉट में जहाँ पर अपनी गाड़ी रखते हैं, वो सभी के स्टेक होल्डर्स को ये अनिवार्य किया गया है कि ये सुनिश्चित करेंगे कि हेलमेट लगाया जाए। आज हम लोग तो इसकी चेकिंग भी शुरू कर रहे हैं और लोगों को इस बात की समझाइश दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एक ही जगह पर फूल और कांटे दोनों का प्रबंध किया गया है। जो हेलमेट लगा के आ रहे हैं उन्हें फूल दिया जा रहा है, और जो हेलमेट नहीं लगाए हैं उनकी गाड़ियों का चालान किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि चालान के डर से या कार्रवाई होने के डर से हेलमेट ना पहने, कृपया हेलमेट को अपनी आदत का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जो टू व्हीलर के दुर्घटना होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा डेथ केवल हेलमेट नहीं पहनने के कारण होती है। तो पेट्रोल पंप में अभी एक हेलमेट में कई लोग पेट्रोल लेते नजर आ रहे हैं, ये कंप्लायंस हम लोग करेंगे। आज पहला दिन है तो ये जितने भी इफ एंड बट्स हैं उसकी जानकारी आपके माध्यम से हमें मिल रही है और हम लोग उस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हर स्टेज की कार्रवाई के लिए हम लोग अलग अलग समय तय किए हैं और आने वाले कल परसों में जहाँ जहाँ पे कंप्लायंस की आवश्यकता होगी उसको करेंगे। सिविल सोसाइटी के सभी लोगों को और विशेषकर मीडिया के सहयोग से हम लोग चाहते हैं कि ऐसा वातावरण बने कि हमें कोई चालान करने की आवश्यकता नहीं पड़े, किसी पेट्रोल पंप पर ऐसी सख्ती ना करने पड़े कि उनको हम पेट्रोल वितरण पर रोक लगा दें, किसी इस तरह के जो पार्किंग लॉट है उनके हमको लाइसेंस निरस्त नहीं करने पड़े, किसी विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी पड़े, क्योंकि जिस विभाग के अधिकारी बिना हेलमेट के अपने ऑफिस में जाएंगे और उनको अगर एंट्री दी जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का हम लोगों ने मन बनाया है।